नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको ललई छठ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं इस कथा के माध्यम से बताऊंगा कि ललई छठ क्यों और कब मनाई जाती है। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ललई छठ या हल छठ का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के ठीक दो दिन पहले मनाए जाने वाले हल छठ के त्यौहार को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बलराम जी को हल और मूसल से बहुत प्रेम था, इसलिए हल छठ के दिन किसान हल बैल और मूसल की पूजा करते हैं। द्वापर युग में जब कंस को पता चला कि देवकी और वासुदेव की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी 6 संतानों की मृत्यु कर दी। देवकी को जब 7वां पुत्र होना था, तब उसकी रक्षा के लिए नारद मुनि ने उन्हें ललई छठ का व्रत करने की सलाह दी, जिससे उनका पुत्र कंस के प्रकोप से सुरक्षित हो जाए। देवकी ने नारद मुनि के कहे अनुसार षष्ठी माता का व्रत किया। इसके प्रभाव से भगवान श्री हरि ने योग माया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कंस को धोखा हो गया और उसने सोचा देवकी का 7वां पुत्र जीवित ही नहीं है। उधर रोहिणी के गर्भ में बलराम का जन्म हुआ। बलराम का जन्म भाद्र मास की कृष्ण पक्ष को षष्ठी को हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण जी का जन्म हुआ। देवकी के षष्ठी माता का व्रत करने से उसके दोनों पुत्र की रक्षा हुई, इसलिए हल छठ का व्रत संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से भी हल छठ का व्रत करती हैं। छठी देवी को शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। यह देवी मूल प्रकृति की षष्ठे अंश से प्रकट हुई हैं, जिस कारण इनका नाम षष्ठी देवी पड़ा।